हवाएं अगर चल रही हों विपरीत दिशाओं से, फिर भी हम जलते रहेंगे कह दो हवाओं से। जी हाँ, कुछ ऐसे ही तेवर इस वक्त छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षा कर्मियों के हैं। आज उनकी हड़ताल का छठवां दिन है। सरकार ने उनको अल्टीमेटम दिया 3 दिन का काम पे लौटने का। इस तरह की भी खबरें आई कि बर्खास्त किया जाएगा उनको, लेकिन कहीं भी इस बार शिक्षा कर्मियों के तेवर नरम पड़ते दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसा लगता है कि वो अपनी मांगे मनवा कर ही अब स्कूलों में लौटेंगे। जी हाँ, बहस जरूरी में इसी विषय के साथ मैं आपके साथ सामने मौजूद हूँ। 4 बहुत खास गेस्ट हमारे साथ हैं, उसके अलावा शिक्षा कर्मी भी आए हैं हमारे इस डिबेट में, उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे ओपन सेशन में। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तारुफ अपने 4 खास मेहमानों से करा दूँ। हमारे इस तरफ है विवेक दुबे जी, जो प्रवक्ता है शिक्षा कर्मी संघ के, प्रदेश प्रवक्ता। वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ इस डिबेट में है, जो प्रदेश अध्यक्ष है शिक्षा कर्मी मोर्चा के। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ है, विधायक है भाजपा के, प्रवक्ता की भूमिका में भी रहते हैं और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने वो इस डिबेट में आए हैं। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ है, अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार है और इस तरह के मसलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। आप 4 मेहमानों का स्वागत है। मैं सबसे पहले विवेक जी आपके पास आती हूँ, आप खड़े भी उस कोने में शुरुआती। ये लगातार बहस चल रही है, हड़ताल चल रही है शिक्षा कर्मियों की, सब तरह की बातें हो रही हैं। मुझे अब आज आप ये बताइए, जब छठवां दिन है आपकी हड़ताल का, कि ये जो आपकी हड़ताल है ये किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है आपको? मैडम, हड़ताल की दिशा जो है वो हम तो निर्धारित करेंगे ही, लेकिन हमारे हड़ताल की पूरी दिशा जो है वो सरकार भी निर्धारित करेगी। देखिए, आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी त्रिस्तरीय वार्ता हुई। सबसे पहले हमारी स्कूल शिक्षा सचिव से बात हुई, उसके बाद हमारी पंचायत जो सचिव है उनसे और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव दोनों के साथ एक साथ बात हुई, फिर मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई। आप खुद सोचिए कि शाम को 7 बजे आपके पास ये खबर पहुंच गई थी कि 8 मुद्दों पर सहमति बन गई है और केवल सविलियन के मुद्दे को लेकर शिक्षा कर्मी मुख्यमंत्री जी के पास बात करने जा रहे हैं। फिर ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि जब वे वहां से बाहर निकले और पूरी मीडिया इंतजार कर रही थी कि आज हड़ताल पे गतिरोध लग जाएगा, कल से हड़ताल नहीं होगा, फिर शिक्षा कर्मी हड़ताल करने को मजबूर हो गए। दरअसल बात ऐसी है कि चूंकि 8 मुद्दों पर सहमति बन गई थी, हमारा सिर्फ इतना कहना था कि उन 8 मुद्दों पर जिन पर सहमति बन गई है उनके आदेश जारी कर दिए जाए तत्काल प्रभाव से, और जो सविलियन वाला मुद्दा है उस पर आप कमेटी बनाकर समय ले लीजिए, निर्धारण कर दीजिए, उसके लिए हम समय देने को तैयार थे। कमेटी पर हमारा ऐसे भी विश्वास नहीं है, पहले 22 कमेटियां बन चुकी है, अगर आप 23वीं कमेटी बना रहे हैं तो आपको पहले यह भी सोचना होगा कि 22 कमेटियों का क्या रिजल्ट निकला। लोग परेशान है, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से परेशान है हमारे, कि हमारे 9 मुद्दों में से 5-6 मुद्दे तो ऐसे गैर वित्तीय है जिसको तुरंत सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले देवभोग के सुपेबेड़ा में एक हमारे शिक्षाकर्मी साथी थे प्रदीप कुमार क्षेत्रपाल करके, 45 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे सन 1998 से सरकार को लगातार सेवा दे रहे थे। उनके घर की स्थिति बताता हूँ आपको, 3 बिटिया है उनकी, 3 बच्चे हैं, कोई 10वीं में पढ़ रहा है, एक 7वीं में, एक 5वीं में, आप सोचिए उनका घर कैसे चलेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं आऊंगी विवेक जी आपके पास, मैं अभी पास समय है आपके पास, एक ही बड़ा मुद्दा है, इस पे अपन आएंगे कि जब ऐसी स्थितियों का शिकार शिक्षा कर्मी होता है तो उस किस किस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है वहां मदद करने के लिए। वीरेन जी, सरकार कह रही है काम पे लौटी है नहीं तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्या लग रहा है सरकार, क्या ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है, धमकी देकर आप लोगों को वापस करना चाहती है, या सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षा कर्मी पिछले 2 दशक से सविलियन की मांग करते आ रहे हैं, शासकीकरण की मांग करते आ रहे हैं। आज हमारे आंदोलन का छठवां दिन है, इसी बीच में सरकार की ओर से अल्टीमेटम दिया गया। मैं जहां तक मेरी सोच है कि अल्टीमेटम देना, निलंबित करना, बर्खास्त करना, ये शिक्षा कर्मियों के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इससे शिक्षा कर्मी और आक्रोशित हो गए। जिस दिन अल्टीमेटम मिला उसके दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के समस्त 140 पंडाल जो 140 विकास खंड वहां पर शिक्षा कर्मियों की संख्या, परिवार की संख्या और बढ़ गई। मुझे लगता है कि इसका समाधान जो है बैठकर चर्चा करके ठोस निर्णय पर जाना पड़ेगा और उसकी घोषणा करना पड़ेगा। जिस दिन घोषणा होगी प्रदेश के शिक्षा कर्मी स्कूलों की ओर लौटेंगे, क्योंकि जहां तक है जब तक पुराना यदि आप पूर्व आंदोलन का इतिहास देखेंगे शिक्षा कर्मियों का, जब जब सरकार ने टकराने की कोशिश की है शिक्षा कर्मियों ने भी बराबर टकराने की कोशिश की है। इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि समग्र और स्थायी समाधान शासकीकरण। सरकार को चाहिए बैठे बातचीत करे और बातचीत करके ठोस निर्णय में पहुंचे। सविलियन के लिए जैसे दुबे जी ने कहा, सविलियन के लिए कमेटी स्वीकार है, लेकिन जो 7 बिंदु है उसके लिए तत्काल घोषणा होनी चाहिए, अन्यथा प्रदेश के शिक्षा कर्मी राजधानी में 2.5 से 3 लाख की संख्या में जुटने का हमने संकेत आज आपके माध्यम से हम दे रहे हैं, परिवार सहित राजधानी में जुटेंगे, जो कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। जी जी, सुंदरानी जी मैं आपके पास आ जाती हूँ। शिक्षा सरकार अपनी तरफ से धमकी दे रही है शिक्षा कर्मी
अपने तरफ से धमकी दे रहे हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है जो अभी निकल के भी सामने आई है कि 22 कमेटियां बनाई गई पिछले 17 सालों में, होती तो उम्र भी छत्तीसगढ़ राज्य की नहीं है, 17 साल हुए इस प्रदेश को बने हुए, 22 कमेटियां बन गई हैं, 9 केवल मांगे हैं और उसमें एक मांग ऐसी है संविलियन की जो सारी मांगों का ही हल है। वैसे तो देखा जाए ठीक है, आप संविलियन एक बहुत टेक्निकल मुद्दा है, कैसे होगा नहीं होगा वो हम लोग जानकार नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन बाकी जो 7 मांगे हैं जिसमें धन भी नहीं लगना ऐसा कहा जा रहा है, वो क्यों नहीं मान लेती सरकार? देखिए, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सरकार, कभी भी टकराहट का रास्ता नहीं चुनती, हमेशा बातचीत का रास्ता, सहानुभूति का रास्ता, चाहे वो किसी भी वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व करता हो। माननीय दुबे जी अभी कह रहे थे कि हमारी 8 मांगों में 7 मांगों पर सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी, एक मांग पर कमेटी बनाने की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी चर्चा हुई और उस मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, मैं अगर इसके अगर हम पीछे जाते हैं 1995 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, अजीत जोगी जी की सरकार रही, दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही संयुक्त मध्य प्रदेश में, उस वक्त शिक्षा कर्मियों की बात अगर की गई तो इनको दर्जा भी शिक्षा कर्मियों का दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 2005 से सकारात्मक भूमिका निभाते हुए, इनके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लगातार कुछ न कुछ देने का काम, कमेटियां बनाने का काम किया है, नहीं देने का काम किया, 22 कमेटियां, छोटा सा उदाहरण आप, और मैं आपको बताऊं, मैं खुद मान रही हूं कि सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, प्रदेश के हर मुद्दे पे सोचते हैं, लेकिन जो आपके अधिकारी है ना वो लड़वा रहे हैं, इस पे गौर करना होगा। हमारे उन्हीं अधिकारियों ने, हमारी उन्हीं सरकार ने 3250 ग्रेड था 2005 में और 2007 में 4500 ग्रेड, मतलब देवड़ा वेतनमान किया गया, ग्रेड दिया गया। अगर हम 2012 ये वेतन पहुंचता नहीं है खाते में टाइम पे, आपको ये पता है कि नहीं पता है? पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचता। 2012 में बढ़ोतरी की गई, फिर 2013 में इनको पदनाम बदला गया, शिक्षा कर्मी के पदनाम से हटाकर शिक्षक पंचायत किया गया, व्याख्याता के पंचायत आदि का सम्मानजनक शब्द दिया गया, जिस शब्दों की बात करते हैं हमने इनको कर्मी नहीं, नहीं ये बिल्कुल आपने तो ये बात सही है कि वो शब्द जो गलत है, बिल्कुल कर्मी जो शब्द गलत है वो कांग्रेस की देन है, वेतनमान प्रस्तावित है, 7वें वेतनमान को हमने नकारा नहीं, हमने 6वां वेतनमान इनको दिया, आज 32,000 के आसपास इनका वेतन मिलने लगा है। वो अलग अलग ग्रेड में आपको जाना पड़ेगा, सबको नहीं मिलता ज्यादा वेतन पड़ेगा। मैं आपको बताऊं 32,000 रुपए का वेतनमान इनको आज मिलने लगा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सरकार ने 2005 से लेकर 2017 तक कुछ न कुछ देने का काम। मैं सुंदरानी जी आपसे सहमत हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उनकी मांगे क्या। सुनिए ना आप, सिर्फ वेतन मान ये ग्रेड है वो ग्रेड होने से नहीं होता। अव्वल तो वेतन टाइम पे पहुंचता नहीं, 5 तारीख को मैं खुद खबरें बनाने वालों में से हूँ। दूसरा नहीं, अभी अपन चलते हैं ना, उनकी मांगे क्या है अभी, क्योंकि सिर्फ वेतन वेतन विसंगति भी बहुत सारी जगहों पे। पूछना चाहता हूँ कि 1995 से लेकर 2005 तक वास्तविक स्थिति इनकी क्या थी, क्या डॉक्टर रमन सरकार ने आप लोगों के प्रति क्या सहानुभूति? बिल्कुल रखी है, बहुत जगह सुना होगा। मैं आ जाती हूँ, मैं तो चाहूंगी डायरेक्ट यही जवाब दे। एक मिनट बीरेन जी, मैं अभी, लेकिन थोड़ा अनिल जी से भी बात कर लूं, आप डायरेक्ट ही जवाब दे दीजिएगा। वार्ता हुई और वार्ता के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। मैं ये धमकी नहीं, वार्ता तो हो ही रही है पर वार्ता विफल क्यों हो जाती है? व्यक्तिगत रूप से सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन सहानुभूति उन 50 लाख बच्चों के प्रति। ठीक है ना, अपन आते हैं अनिल द्विवेदी जी कह रहे हैं सुंदरानी जी कि 50 लाख बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, तो पहला दायित्व तो सरकारी अधिकारियों का बनता है। सरकारी शिक्षा तंत्र हमारे यहाँ उन लोगों के लिए है जो महंगे स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज पाते, गरीबों के लिए साफ तौर पे कहें, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, वो सरकारी स्कूलों पे डिपेंड है, उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं, उनके पास पैसा नहीं है बड़े स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल छोटा हो या बड़ा बहुत महंगा होता है आज की ये तारीख में। तो क्या उन 50 लाख बच्चों के प्रति सारे दायित्व शिक्षा कर्मियों के ही हैं? क्या सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, मैं किसी पार्टी की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, जनप्रतिनिधि तो कुछ समय के लिए आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी वहां दायित्व लेके बैठे हैं, जो टेक्निकली सारी चीजें समझते हैं, जो कर सकते हैं, क्या उनको सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करना चाहिए? ऐसे कौन से विषय हैं जो सरकार पूरा नहीं कर सकती चाहे तो?
बिल्कुल प्रियंका, देखिए आपने, मैं सबसे पहले गिरीश को बधाई दूंगा कि उसने इतने अच्छे मुद्दे पर ये डिबेट रखी है कि शिक्षा कर्मी जो हमारे गुरुजन हैं, जो लाखों बच्चों का भविष्य संवारते हैं, 56,000 स्कूलों में पढ़ाई ठप पड़ी हुई है, और बयान ऐसे आते हैं स्कूलों के अधिकारियों के कि स्कूल खुल रहे हैं, दो चार उदाहरण दे के कि वहाँ ये पढ़ाने पहुंच गया, वहाँ वो पढ़ाने पहुंच गया, 56,000 स्कूलों में कौन कौन पढ़ाने पहुंचा इसकी सूची जारी कर दे सरकार। और देखिए शिक्षा कर्मी अकेला नहीं जूझ रहा है, उसके साथ औसतन 4 लोग एक परिवार में जुड़े हुए हैं, माता पिता 2 बच्चे भी जुड़े रहते हैं साथ में, तो ऐसा करके पूरी जो जनसंख्या है वह 20 लाख की जनसंख्या प्रभावित होती है। सरकार को चिंता करनी चाहिए, अगर 20 लाख लोगों का परिवार आपसे जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हालांकि हमारे विधायक श्री चंद सुंदरानी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नहीं सुंदरानी जी का तो मैं जनता के बीच में उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आते ऐसे विषयों में बात रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप कितने लोगों का परिवार जुड़ा है आपसे, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और मैं कहता हूँ 2003 थे, 2008 के चुनाव थे, आप ही ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हम सम्मिलियन करेंगे, आज 10 साल से ज्यादा निकल गए, ये मांग क्यों पूरी नहीं की जा रही है, 7 मांगे हैं, 8 मांगे हैं, तो एक संवेदनशीलता के साथ इस मांग को पूरा करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने उठाई कि प्रशासनिक जो अराजकता है वह भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष है, मुझे तो लगता है पूरी तरह से वही जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत सही मांग उठाई, टीएस देव ने, सिंहदेव जी ने बहुत सही मांग उठाई कि 22 कमेटियां अभी तक बनाई गई हैं, कितनी मांगे पूरी की है। रामायण की एक चौपाई है कि बिना न मानद जलद जड़, गए 3 दिन बीत, भोले राम सकोप वश, भय बिन होई न प्रीत। ये जो हड़ताल आज हमारे शिक्षा कर्मी कर रहे हैं यह इसी तरह का एक भय है कि जब अति हो गई, 22 कमेटियां तक फैसला नहीं कर पा रही हैं, जो प्रशासन है वह बीच में नहीं आ पा रहा है, अफसरों की सैलरी तो समय पर पहुंच जाती है, शिक्षा कर्मियों की सैलरी 3-3, 4-4 महीने तक नहीं पहुंच रही है, तो ये पूरा संवेदनशीलता का मामला है। शिक्षा कर्मी भी जानते हैं कि बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जल्दी आना चाहते हैं, फिर चुनावी माहौल है, 1 साल बाद सरकार को चुनाव में उतरना है, तो ये जो 20 लाख परिवार है इनको क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, मतदाता भी हैं ये लोग, तो ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक रमन सरकार एक संवेदनशील सरकार है, देखिए 15 साल से यदि सत्ता में है वो, तो निश्चित तौर पर जनता की एक विश्वास उनके प्रति है। रमन सिंह जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वे इन सारी चीजों को गौर करते हैं, मुझे लग रहा है कोई ना कोई उम्मीद, कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। शिक्षा कर्मियों को भी चाहिए कि वे भी सरकार के साथ मिलकर या श्री चंद सुंदरानी इन सबको साथ लेकर के इस पर कोई एक राय निकले, ताकि बच्चों का जो भविष्य है, जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई जो ठप पड़ी है वो फिर से निर्बाध। मैं वापस आती हूँ आप लोगों के पास, कि सुंदरानी जी कह रहे थे कि ग्रेड है 36,000-30,000 इस तरह का वेतन आपका मिलता है, आखिर मांगे ऐसी क्या है भाई, ये स्पष्ट ही हो जाए आज ये, क्योंकि क्या अपना बहस होती है, विषय आते हैं लेकिन वो गोलमोल गड्ढमड्ड हो जाते हैं, जनता भी समझ नहीं पाती होगी शायद, तकनीकी विषय है, आप लोग थोड़ा समझाइए, इनको भी समझाइए, हमको भी समझाइए और जनता को भी समझा दीजिए। सुंदरानी जी ने 2005 की बात की जो स्थिति जो अभी बताई कि समय समय पर वेतन माने सुविधाएं बढ़ी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि निश्चित रूप से सुविधाएं वेतन मान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वेतन मान से एक मजदूर का भी समय समय में बढ़ता है, हर किसी का बढ़ता है, लेकिन जो हमारी स्थायी जो समाधान है जिससे समग्र जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, उसके बाद में RTE लागू हो गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है, ये बहुत पुरानी बात करते हैं कि उस समय ऐसा था आज ऐसा है, तो क्या पहले व्यवस्था खराब थी और आज यदि व्यवस्था सुधारनी चाहिए तो सरकार होती किस लिए है? संविधान सरकार उसी लिए होती है कि यदि व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, जैसे बात एक सामान्य सी आती है वेतन मान समय पर नहीं मिलता, स्थानांतरण हमारे लिए लागू नहीं होता, अनुकंपा नियुक्ति वाली बात आई वो हमारे लिए है नहीं, DA 4% आज तक नहीं मिला, 11 महीने हो गए, घोषणा है घोषणा हो गई है, 11 महीने पहले प्रदेश का 2 लाख कर्मचारियों को तत्काल DA उनके लिए मिलता है, आज हमारे लिए DA जो है लगभग 11 माह होने जा रहे हैं DA का, अतः पता नहीं ये सब चीजों का स्थायी समाधान, ये बहुत सारी समस्या है, सविलियन है, शासकीयकरण है, जिस दिन हमारा शासकीयकरण होगा। एक और बात रखना चाहूंगा प्रियंका जी आपके ग्लिप्स के माध्यम से कि सविलियन में संवैधानिक बाधा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सविलियन में यदि बाधा है तो आप हमको शासकीयकरण पंचायत में कर दीजिए, हम स्वीकार करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ शासकीयकरण 1,80,000 शिक्षा कर्मियों का, पंचायत में शासकीयकरण कीजिए, सभी समस्याओं का समाधान होगा, सविलियन में बाधा है उसके लिए आप कमेटी बनाइए, आप घोषणा करवाइए,
कल जिस दिन घोषणा होगी उस दूसरे दिन से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बड़ी बात वीरेंद्र जी ने कह दी है कि जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं ये हड़ताल नहीं करेंगे और हड़ताल समाप्त होगी, लेकिन सरकार को गौर करना होगा। विवेक जी, बार बार ये एक प्रश्न उठता है, आप लोग भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया था एज ए शिक्षा कर्मी तो आपकी जो सेवा शर्तें थी तो वो पढ़ लिख के ज्वाइन किया होगा आप लोगों ने, अब अचानक ऐसा क्या हो जाता है बार बार कि आप लोग हड़ताल पे आमादा हो जाते हैं? जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आप ज्वाइन मत कीजिए, सरकार आपको क्या दे रही नहीं दे रही है वो पहले से पता नहीं होता क्या? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो होती है उसका एक काम यह भी होता है कि वो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाए, उसी के तहत बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी है, और जब वो रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए खुला अवसर होता है कि वो उस रोजगार को अपने लिए चयनित करें। हम कोई बैकडोर एंट्री करके नहीं आए, हमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, हमारे अच्छे परसेंटेज आए हैं, हजारों लोगों के बेरोजगारों के बीच से हम चयनित हुए हैं। हम कभी मना नहीं किए, कभी आपने इसके लिए सुना है आंदोलन करते हुए कि आप हमको इस तरीके से मत लीजिए, आप व्यापम के थ्रू लीजिए, आप पीएससी के थ्रू लीजिए, लेकिन भर्ती करने के बाद आप अपनी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। दूसरी बात, सेवा शर्तों में यह भी नहीं लिखा है कि हम जनगणना का काम करेंगे, क्यों हमको घरों पे भेजा जाता है? अभी सुब्रत साहू जी ने लेटेस्ट में पत्र लिखा है कि शिक्षा कर्मी हड़ताल पर चले गए, इसके चलते इनका काम प्रभावित हो रहा है निर्वाचन का। हमारी सेवा शर्तों में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि हम चौपाल पर बैठ के मुख्यमंत्री जी की गोट और प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनाएंगे लोगों को, लेकिन हम संडे को करते हैं वो। जब हमें कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी होता है कि हर संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास लेना है, हम लेते हैं, हमने कब मना किया है? ग्राम स्वराज में जब सभी शिक्षा कर्मियों की छुट्टी रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, तब हम स्कूलों में सेवाएं देते हैं, हमने किस काम को मना किया है? हमने कभी मना नहीं किया। और इसके बदले अगर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जो घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने की थी, जो उस समय मंत्रियों ने कहा था, जब आप ये कहते हैं कभी भी कि सविलियन में संवैधानिक दिक्कत है, तो आप हम पर उंगली नहीं उठाते हैं, आप मुख्यमंत्री जी के उस बयान पर उंगली उठाते हैं जो उन्होंने 2007 में हमारे मन से खड़े होकर सुभाष स्टेडियम में कहा था कि 20-20% करके शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर दिया जाएगा। आप खुद सोचिए, 2007 की घोषणा थी, अगर 2-2 साल के अंतराल में भी इस घोषणा को पूरा किया जाता तो आज 10 साल में ये पूरे शिक्षा कर्मी संविलियन पा चुके होते। कौन सी गलत बात कह रहे हैं? हम केवल वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था, घोषणा पत्र में लिखा हुआ है संविलियन, हमने अपने मन से कोई बात थोड़ी लाई। जी जी, चलिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया। बार बार ये कहा जाता है कि जब सेवा शर्तों में जिस ज्वाइन किया है जिसपे शिक्षा कर्मियों ने, उसको अब क्यों उस पर हल्ला हो रहा है? तो सीधी सी बात तो ये निकल के आ गई कि बात हल्ला हो रहा है घोषणाओं पे, लगातार जो घोषणाएं करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार में बैठे लोग घोषणाएं करते हैं और उस घोषणा को जब पूरा नहीं करते तो इस तरह से आक्रोश सामने निकल के आता है। ये बात सब रेखांकित करें, क्योंकि बार बार ये हम पे भी लोग कहते हैं आप लोग क्यों डिबेट करा रहे हैं इस विषय पे, उन्होंने ज्वाइन नहीं क्यों किया था, उनकी सेवा शर्तें तो उनको पता थी ना पहले। तो आज ये स्पष्ट हो गया कि जो घोषणाएं बार बार हुई हैं देश प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है जैसा विवेक दुबे बता रहे हैं, उसको लेकर आक्रोश है मन में कि अगर आप घोषणाएं कर रहे हैं तो क्या पहले से आपको नहीं मालूम था कि संविलियन नहीं हो सकता, तकनीकी दिक्कतें आएंगी, हमारे पास इतना आर्थिक हमारे पास है ही नहीं संसाधन, तो ये तो पहले ही देख लेना चाहिए क्यों घोषणाएं करती है पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस पर बैठे नेता, और बाद में आप फिर कहते हो कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो कटघरे में तो आपको खड़ा करेगी जनता, क्योंकि जनता जो है वो ये अधिकार रखती है, ये लोकतंत्र है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अनिल जी आपसे चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा सा और कहें, क्योंकि सत्यनारायण शर्मा जी आ गए, मैं चाहूंगी वो इन्वॉल्व हो जाए इस डिबेट में, शिक्षा मंत्री रहे मध्य प्रदेश में। सत्यनारायण शर्मा जी उस समय शिक्षा मंत्री रहे हैं जब उन्होंने हजारों की संख्या में स्कूल खोले, अब मुझे लग रहा है आज इनमें से कई विधायक उन स्कूलों से पढ़ के। जी 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 जी, वो तो कईयों के गुरु भी है। जी जी गुरु भी है। जी जी जी, तो मैं चाहूंगी सर आप आइए डिबेट में, और द्विवेदी जी को हम ले लेंगे डिबेट में वापस, लेकिन थोड़ा सा एक बार आपका इसमें वर्जन में चाहती हूँ आ जाए। हाँ हाँ, मैं सिर्फ देखिए दो कमेंट्स देना चाहूंगा। आज मैं फेसबुक देख रहा था, हाँ हाँ, उस फेसबुक में एक सीईओ का लेटर शिक्षा कर्मी को चेतावनी के तौर पर, हाँ हाँ हाँ, और उस चेतावनी में कहा गया था कि अगर आपने 3 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं किया तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, और शिक्षा कर्मी ने उसमें लिखा था जो चाहे करना है कर लो, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूँ। यदि नौकरी गंवाने की तर्ज पर यदि आंदोलन हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर यह आर पार की लड़ाई है, और इसके लेकर के दोनों पक्षों को सोचना चाहिए। मैं छोटा सा एक बात और कहना चाहूंगा, बस्तर में 4 बार जिला पंचायत की टीम ने 4 बार विज्ञापन जारी हुए शिक्षा कर्मियों के लिए, लेकिन बस्तर में कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को शिक्षा कर्मी लेकर के आएंगे, लेकिन हमारे जो ये 50,000 शिक्षा कर्मी हैं इनके चिंता आप नहीं कर रहे, 1,80,000 बाहर, हाँ बाहर से लाना चाहते हैं। जी जी, आप 4-4 बार बस्तर में विज्ञापन दे रहे हैं, कोई शिक्षा कर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता बाहर, कोई व्यक्ति इतना डर है वहाँ पर,
तो मैं कहता हूँ कि यदि ये शिक्षा कर्मी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, रविवार तक को नौकरी दे रहे हैं, इन पर सहानुभूति विचार करके इनको इसमें वापस लाना चाहिए, ताकि जो रमन सरकार स्वराज देने का जो दावा कर रही है वह असल में साबित हो। जी जी जी, मैं स्वागत करती हूँ शर्मा जी आपका, और दो मिनट ले जाऊंगी कि मैं अनिल जी, मैं सत्यनारायण शर्मा जी से जानना चाह रही हूँ इस विषय पे। शर्मा जी, आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, और जब तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, बहुत बड़ा इलाका था, आज इस हड़ताल को आप कैसे देख रहे हैं? आज छठवां दिन है इस हड़ताल का, तो ये क्या लगता है आपको कि ये हड़ताल किस दिशा में जाने वाली है, और क्या कोई वादा खिलाफी सच में हुई है जो ये आक्रोश छलक के सामने आया है? देखिए, सरकार ने लगभग 20 या 22 बार कमेटियां बनाई। जी जी, इनकी समस्याओं के समाधान में क्या कोई समाधान कारक हल निकला? जी, यही तो दुर्भाग्य है। कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी बनाते जा रहे हैं, फैसला को लेने की ताकत नहीं है। जी जी, हैसियत नहीं है फैसला लेने की। क्यों फैसला नहीं लेते? कोई एक फैसला ले लेते तो आज इनमें अत्यधिक आक्रोश नहीं होता। कहाँ पे तकनीकी, कहाँ दिक्कतें हैं? तकनीकी में बता रहा हूँ, ये भी अपने प्रदेश के नागरिक हैं। 180,000 शिक्षा कर्मी है, इनके परिवार को मिला दे, कम से कम 5 मेंबर मतदाता भी इनके परिवार में होंगे, तो आप समझिए कि 9-10 लाख से कम संख्या नहीं है। जी जी, आखिर वो भी उनको जीने का सहारा चाहिए, रोजगार के अवसर सब जगह पर्याप्त मिलते नहीं। जी जी, शिक्षा कर्मी ग्रुप में भर्ती हुए, जो परिस्थितियां होगी आगे, उम्मीद पर आदमी जिंदा रहता है। जी जी, आज यहाँ नौकरी में लगा है, आगे चल के गुणोन्नति होगी, पदोन्नति होगी, और ग्रेड बढ़ेंगे, स्केल बढ़ेंगे, समय समय के अनुसार सरकारें बढ़ाती, इस उम्मीद में काम भी लगे थे। लेकिन इनके साथ अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे का रास्ता साफ होना चाहिए। जी जी, सुंदरानी जी, आपके आने के पहले कह रहे थे कि ये जो देन है समस्या की, आपके आपके शासन काल की, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो थोड़ा चाहूंगी मैं आप उसमें भी कि क्या वाकई में कांग्रेस की देन है? तो कुछ कहा नहीं इन्होंने, जब इसको किया था तब कहना था, उस वक्त कुछ नहीं कहा। जी जी, जब आज देने की परिस्थिति में है, इतना बड़ा बजट का आकार, उस वक्त बजट भी इतना नहीं था हमारे पास। आज जो जनता टैक्स पे करती है, जो टर्नओवर जनता का है, उससे इनका बजट का आकार बढ़ा। लेकिन एक चीज तो है शर्मा जी, कि कर्मी शब्द तो दिग्विजय सिंह ने जोड़ा, और क्यों जोड़ा ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये इस शब्द ये पूरे देश में कंसेप्ट हुआ था। नहीं, शिक्षा से कर्मी जोड़ने का कोई औचित्य मुझे नहीं नजर आता। नहीं, पूरे देश में कंसेप्ट चला था, केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं। उस वक्त किसी ने इनकी जबान नहीं खोली, विरोध कर रहा था, सरकार विचार करती, लेकिन पंचायत को शिक्षा की व्यवस्था दी जाए ऐसा सोचा गया था। अजय चंद्राकर जी खुद पंचायत मंत्री आज हैं, इन्होंने उस वक्त पत्र लिखा था। तो सुंदरानी जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप ही शर्मा जी का जवाब दें कि अगर ये मुख्यमंत्री जी ने कहा जी, था जी, कि 20% के उसके सम्मेलन किया जाएगा, किया जाएगा। जी जी, क्यों अपनी जबान से पलट रहे हैं? अब बताइए, आप जवान से पलट रहे हैं या कांग्रेस की गड़बड़ी अभी भी आपको लगती है? जो कभी बात को तो पूरा करेगा, या तो कहना नहीं था। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, 1995 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने कितना अत्याचार शिक्षा कर्मियों के साथ किया, इसका लेखा जोखा अगर मैं रखूँगा तो कांग्रेस के पास जवाब नहीं होगा घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा। मैं आपको बता दूं, 7 साल के छोटे से कार्यकाल में 3 गुना वेतन वृद्धि, 22 कमेटियों की बार बार बात उठती है, अगर 22 कमेटियां बनकर निर्णय नहीं हुआ होता तो 3200 के ग्रेड से 9300 के ग्रेड में 2013 में पहुंचना, 2007 से 2013 में अगर 3 गुना वेतन वृद्धि करके सरकार ने बता दिया कि हमने जो कमेटियां बनाई है वो कोई फर्जी कमेटियां नहीं, उन्हीं कमेटियों के निर्णय का परिणाम था कि छठवें वेतनमान इनको मिला, उन्हीं का परिणाम था कि शिक्षा कर्मियों के लेबल से इनको मुक्त किया गया, उन्हीं का परिणाम था कि समय समय पर हमने वेतन वृद्धि की, और आज भी जो चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कहा है वो करते हैं, थोड़ा देर हो सकता है। कुछ कहेंगे विवेक जी आप? निश्चित रूप से, आप स्वयं कबूल रहे हैं, शिक्षा कर्मी कबूल रहे कि जो हमारी त्रिस्तरीय वार्ता हुई, 2 अधिकारी लेवल पे, 1 माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे, उसमें पर वार्ता फेल हो गई, मांगे इनकी मानी गई नहीं, मानी कहां गई, मानी नहीं गई, मानी गई नहीं। सुनानी जी, मैं बता रही हूँ,
उसमें वो कहा गया कि वो मानने को तैयार है, आदेश कहाँ है, तो माना विफल हो गए, तो मानते ना, ये तो बैठक में थे, ये सरकारी पक्ष जी मजबूरी, आप जवाब दीजिए, शर्मा जी कह रहे हैं आपकी मजबूरी है, मैं सरकारी पक्ष हूँ, सरकारी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसको कोई मैं नकार, क्या हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन मेरी सहानुभूति भी आपके शिक्षा कर्मियों के साथ है, शिक्षा के मित्रों के साथ है, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने वाले सारे मित्रों, 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन 7 बिंदुओं जो है, अच्छा दुबे जी ये बताए सुन लीजिए ना, 2007 से लेकर 2013 तक आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, तो वो तो सम्मान तो सबको देना पड़ेगा, सम्मानजनक जो बार बार आप शब्द कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन अरे सवाल तो सम्मान तो देना ही पड़ेगा ना, मेरा फर्जी है क्या, अरे उस दिन क्या हुआ था, बैठक में क्या हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जो अधिकारियों के साथ हमारी सहमति बनी, तो कहाँ है वो सहमति, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लेकिन अंतिम दौर पे जो है जो घोषणा होनी थी, ये कहा गया कि आप डायरेक्ट बात कर लीजिए इनकी तरफ देख के, 7 बिंदुओं पर जो है घोषणा होगी, 1 बिंदु पर कमेटी बनेगी, वहां जाने के बाद में जस्ट उल्टा स्थिति पैदा हो गया, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जिस तरीके से मौन बैठ गए, और घोषणा की जगह में वहां पर कहा गया कि 8 बिंदुओं पर कमेटी बनेगी, शिक्षा कर्मियों ने आपत्ति किया, ये हमारे साथ छल है, और ऐसा धोखा जो पूर्व में शिक्षा कर्मी 22 कमेटियों में खा चुके हैं, अब प्रदेश के 1,80,000 शिक्षा कर्मी धोखा नहीं कहेंगे, हमने मजबूरी में आंदोलन शुरू किया, क्योंकि प्रदेश के 1,80,000 शिक्षा कर्मियों की नजरें मुख्यमंत्री निवास की ओर थी कि आज निश्चित रूप से कोई घोषणा होगी, हमने गलती नहीं की, आपके अधिकारियों ने गलती की, कुछ अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा, सुनवा लीजिए, सीएम चाहते होंगे करना, बोली बोली बताइए ना, आपको रखनी पड़ेगी बात, नहीं नहीं सुंदरानी जी का तो मैं धन्यवाद देती हूँ सर कि वो आ जाते हैं, ऐसे उनको पता है कि मैं घेरा जाऊंगा तब भी वो आ जाते हैं, बाकी लोग तो आने को भी तैयार नहीं हो रहे, दिखाइए, ये शासन द्वारा लिखा गया, प्रशासन द्वारा लिखा गया, किसी भी शिक्षा कर्मी ने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं थी, वहां से निकलने के बाद भी शिक्षा कर्मी संगठनों ने यही कहा कि निश्चित तौर पर हमको भी गुमराह किया गया और मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया, सुंदरानी जी इस कागज को देखें, 1 फरवरी 2016 का ये कागज है, 1 फरवरी 2016 को अध्यक्ष और सचिव जी के नाम पर पत्र लिखा गया है, जो हमारे संगठन के, ये बोला गया कि इन 12 मुद्दों पर सहमति बन गई है, उनके आदेश कहाँ है बताइए आप, सर मैं आपसे सत्यनारायण शर्मा जी आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या लगता है आपको अधिकारी बीच में कुछ गड्ढमंड करने में लगे हुए, अधिकारी मिसगाइड करते हैं कहीं सरकार को, अधिकारी वही करता है जो ऊपर से निर्देश मिलता है, अच्छा जी, ऊपर से जैसा निर्देश मिले अधिकारी ने वही किया, ये शासन का आदेश है आपके पंचायत बताइए, इसका एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा मुख्यमंत्री तो बेचारा सबसे सम्मानजनक व्यवहार करता है, क्या आप चाहते हैं दुर्भाग्यजनक व्यवहार करने असम्मानजनक व्यवहार, नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी के सम्मान के विपरीत जाके बात नहीं करते, और हर एक को राहत देने का काम करते हैं, नियंत्रण नहीं, लेकिन 50 लाख बच्चों का, आप सत्यनारायण जी चाहते हैं क्या 50 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हो, बच्चों की चिंता, 50 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ विषय, 1,80,000 के शिक्षा कर्मियों से जुड़ा हुआ विषय, 54 लाख स्कूलों से जुड़ा हुआ, शर्मा जी ने एक बार बहुत अच्छी, एक मिनट दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, शर्मा जी ने बहुत अच्छी जगह इंगित किया है, मेरे पास भी कल वो लेटर पहुंचा, बस्तर का लेटर था, एक लेटर बस्तर का पहुंचा कि जब तक हड़ताल चल रही है तब तक ये फलाने फलाने शिक्षा मित्र और ये लोग पढ़ाएंगे, और जो सूची थी नीचे वो सारे भ्रतियों के नाम थे उसमें, विद डेजिग्नेशन, फलाने जी भ्रत्य ये पढ़ाएंगे, फलाने जी भ्रत्य ये पढ़ाएंगे, तो भ्रत्य संभालेंगे, मतलब ये तो वाकई में बहुत जगह सही की बात है, अधिकारी जो कर रहे हैं, पुलिस तो बढ़ा रही है आदेश, तो भ्रतियों का निकाला ना, अधिकारी क्या कर रहे हैं ना, मैं तो अधिकारियों की बात कर रही हूँ, अधिकारियों की बात कर रही हूँ, भ्रत्य पढ़ाएंगे ऐसे अधिकारी ने आदेश निकाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है, हालांकि शर्मा जी ने बिल्कुल अलग बात बोली कि ऊपर से कुछ कहा गया इसलिए अधिकारियों ने किया, पर ऐसा मुझे तो लगता है कि अधिकारी बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं जी, इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा सुंदरानी जी, आपकी गवर्नमेंट के अधिकारियों का ये 12 बिंदु है क्यों नहीं हुआ,
किसने रोका इनको? नहीं देखिए, मैं मेरी आपसे निवेदन, इसलिए मैंने कहा कि ऊपर का निर्देश जब होता है अधिकारी वैसा ही करता है। सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ये बंदर का खेल है, मनाली बंदर का, डॉक्टर रमन सिंह जी की संवेदनाएं हैं और हर वर्ग को लाभ देने का काम सरकार की तरफ से होता है। आपकी सारी मांगों पर वो सहानुभूति पूर्वक आपके निर्णय लेंगे जैसा वो लेते हैं। 2007 से लेकर 2017 तक, 2013 तक, 7 साल में 3 गुना किस विभाग में हुई? एहसान कर रहे हैं क्या? 3 गुना कोई 3 गुना कर्मियों की स्थिति में परिवर्तन 2013 की हड़ताल के बाद आया। 3 गुना वृद्धि, अच्छा ये 3 गुना वृद्धि हुई कि नहीं हुई? ये 22 कमेटियों का परिणाम है कि नहीं है? पहले नहीं, ये 22 कमेटियों का परिणाम है कि नहीं है? क्या 22 कमेटियों क्या 3 गुना महंगाई बढ़ी 7 साल में? ज्यादा नहीं बढ़ी साहब, वो तो यूपीए गवर्नमेंट थी साहब जिसने महंगाई बढ़ाई थी। जो भी है, कोई आप में से कोई सवाल करना चाहता हो तो ये मोदी से कम नहीं। नहीं, मोदी का शिष्य तो हूँ। नहीं, आप भी उससे कम नहीं हो। पंकज बैठ जाओ, बैठ के बैठ जाओ। पंकज जी से 2 सवाल करना चाहता हूँ जी। इनका ये कहना है कि 95-96 में शिक्षा कर्मियों का वेतन क्या था और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको वेतन कितना दे रही है? इसके लिए पहला सवाल ये है कि उस समय सरकार का वार्षिक बजट क्या था और आज वर्तमान में वार्षिक बजट सरकार का क्या है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उस समय माननीय विधायकों का वेतन कितना था और आज की स्थिति में माननीय विधायकों का वेतन कितना? अब तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ गए आपके पास। देखिए, दो दो बातें आपने की है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, इसका जवाब भी मैं दूंगा। मैं तो 2003 में हमारी सरकार बनी, 2005 में पहली बार निर्णय आपके पक्ष में सरकार ने लिया, 2007 में आपका देवड़ा वेतन किया गया, 2007 से लेकर फिर 2013 तक आपका वेतन 3 गुना किया गया। ये 22 कमेटियों का ही परिणाम है। आपको सम्मानजनक शब्दों से ये नवाजा गया। महंगाई की अगर आप बात करते हैं या वेतन वृद्धि की बात करते हैं या अन्य शासकीय कर्मचारियों के बराबर वेतन होना चाहिए ये आप बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि किस विभाग में किस वर्ग को 3 गुना वेतन वृद्धि हुई 7 सालों में? ऐसा कोई है क्या कि 3 गुना है? शासकीय शिक्षकों को आज से 8 साल पहले कितना वेतन मिलता था? हाँ, लगा लीजिए, रेशो निकाल। नहीं, वो सरकारी शिक्षकों की बात कर रहे हैं। आज से शिक्षकों की, आज से 8-10 साल पहले शासकीय शिक्षकों को 13,000 रुपए। मैं तो ये 7 साल की बात। शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि क्या ये, अच्छा आप एक्सपर्ट कमेंट दे दीजिए, एक्सपर्ट कमेंट दे दीजिए कि ये हो सकता है कि नहीं? सरकार चाहे तो मेरी सुखद परिणाम आपके सामने आएंगे। सरकार लीकेज बंद करे, सरकार करप्शन बंद करे, सरकार फिजूल खर्चे बंद करे। ये मंत्रियों के बंगलों का ऐसा आराम, ये गाड़ियां, ये काफिला बंद कर दे, हम लोग ही रहे हैं। और इसलिए फिजूल खर्चे बंद करके जो सेविंग हो उसे दिया जाए इन लोगों को, क्या दिक्कत क्या है? प्रियंका जी, इच्छा शक्ति सिर्फ एक ही जो है, इच्छा शक्ति डॉक्टर रमन सिंह जी की चुनौती दे रहा शक्ति का भाव है। डॉक्टर रमन सिंह जी की इच्छा शक्ति के सामने कोई सरकार नहीं है। वो बिल्कुल सही है, रमन सिंह जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या दानों के रूप में खड़ी है। कुछ कहेंगे क्या अनिल जी आप? एक विषय छूट गया था माननीय शर्मा जी, एक विषय छूट गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले वित्तीय वर्ष में, ये बजट की बात करते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग ने लगभग 2600 करोड़ रुपए वित्त को लौटाया, खर्च नहीं कर पाए। ये और तो हमारा बजट मात्र 1000 करोड़ है। यदि 1000 करोड़ यदि आप दे देंगे, इस प्रदेश में खुशहाली आ जाएगी, शिक्षा कर्मियों में, परिवारों में खुशहाली। एक चीज तो रेखांकित करनी पड़ेगी, पूरी तरह सुधर जाएगा। आप स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और ये 4 विषयों पे जाना पड़ेगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इनसे निवेदन करता हूँ कि प्रदेश के हित में, 50 लाख बच्चों के भविष्य के हित में, ये अपनी स्ट्राइक को वापस ले। मैं मध्यस्थता करता हूँ, मैं बताइए, आपके बीच में एक सेतु। मैं जो है प्रियंका जी, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, माननीय सुंदरानी जी यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाजपा का, 50 लाख बच्चों से जुड़ा विषय है, 54,000 स्कूलें जो है प्रभावित है, 1,80,000 शिक्षक कर्मी परिवार से, जैसे
रिशद शर्मा जी ने कहा, रिश्तेदार से जैसे द्विवेदी जी ने कहा 20 लाख लोगों से जुड़ा विषय है, तो ऐसे विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल संवेदना दिखाए, पूरे मामलों को संज्ञान में ले, क्योंकि अधिकारियों ने कहीं न कहीं पूरे चर्चा के दौरान गुमराह किया है, और संवेदना दिखाए, चर्चा करे, घोषणा करे, दूसरे दिन से आंदोलन समाप्त कर दिया। और कोई कोई अगर बात करना चाहे, क्योंकि हम लोग बहुत समय हमारे पास कम बचा है, हम लोग निवेदन करना चाहूंगा, आज पूरे संचालक गण इस बात को लेकर काफी चिंता कर रहे हैं, ये आंदोलन क्या और उग्र की ओर जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वार्ता करें और हमारे लोग वार्ता के लिए तैयार हैं और इस पर सकारात्मक रूप से चर्चा करें और हमारे हित में फैसला लें। जी जी, अब मुझे लगता है समय आ गया कि सीधे सरकार अधिकारियों को की मध्यस्थता खत्म करे, आप जैसे नेता बीच में आए और सीधे बात किया जाए डायरेक्ट। आप सारे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप स्ट्राइक खत्म करिए, मैं चलता हूं, अधिकारी नहीं बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधी वार्ता में आपकी कराऊंगा। यही काम आपके मंत्री जी क्यों नहीं कर रहे, जो अधिकृत व्यक्ति है। मैं यहां पे पार्टी का एक प्रतिनिधि हूं, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, आज सरकार का विधायक हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी आवाज को पहुंचाने वाला एक प्रतिनिधि हूँ, आपका भी प्रतिनिधि हूँ, मैं सरकार का या विधायक नहीं, मैं आपके, मैं भी आप लोगों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता सम्मानजनक निकलना। क्या बचा विवेक जी, खत्म करेंगे अपन। विवेक जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सर ने कहा कि सम्मान की मैं स्थिति बताता हूँ फिर से एक बार आपको, कि अभी भी हमारा वेतन जब तक पंचायत सचिव और सरपंच साइन नहीं करता तब तक हमारा वेतन नहीं निकलता, 30 दिन सेवा देने के बाद जाकर पहले हमें वेतन पत्रक में उनसे साइन करवाना पड़ता है। वो ये स्थिति तब है जब प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में आपने, कई स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कई स्कूल में थंब इंप्रेशन मशीन है, उसके बाद हमारा वेतन जारी होता। हमारी स्थिति आज ये है कि धनतेरस के दिन हमारा वेतन आया था, इस बार हम धनतेरस के दिन तक वेतन का इंतजार करते रहे, सोचिए क्या हमारी जरूरतें नहीं है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा कर दी थी विधानसभा में कि 5 तारीख को मिलेगा वेतन, तो इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है? और सर अंशदायी पेंशन योजना के बारे में भी आपको बता देता हूं, हमारे खातों से 45 से 60 महीनों के तक वो काटे जा चुके हैं हिस्से, और सरकार के हिस्से से भी लिए जा चुके हैं, क्या हमारे हिस्से में आए हैं वो पैसे? आप जब कट रहे हैं जा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि अंशदायी पेंशन योजना का पैसा कट रहा है जा नहीं। और एक बात और जोड़ देती हूँ सुंदरानी जी, मेरा सरकार से आपसे कोई विरोध नहीं है, समस्या ये समग्र रूप से देखने की जरूरत है, हमारे ही भाई बहन है, 35,000 मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है शिक्षा कर्मियों के, आपको ध्यान देना होगा, 35,000 मामले, और ये मामले तब पहुंचे हैं, उनके पास आधार है, स्वीकार किए जा चुके हैं हाई कोर्ट में, उनमें सुनवाईयां होनी है, ऐसा क्या हो गया 35,000 शिक्षा कर्मी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं सरकार के खिलाफ? आप देखिए तंत्र कहां पे गड़बड़ है, देखना होगा। कि मैं सत्तारूढ़ दल का विधायक नहीं, यहाँ सत्तारूढ़ और विपक्ष की बात नहीं है सुंदरानी जी, आप दोनों अनुभवी लोग हैं, अनुभव का हम लोग लाभ ले रहे हैं, सारी बातों जी जी। को मैं सहानुभूति, ये बातें क्या पता मुख्यमंत्री तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है, जो भी समझौते होते हैं टेबल पे होते हैं, कभी भी स्ट्राइक में कोई समझौते नहीं। क्या हुआ सुंदरानी जी, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बिल्कुल, क्योंकि समय कम है और इस बहस को हमको यही समापन, अभी अल्प विराम लगाना है, हम समापन तो नहीं कर सकते, तो जब तक स्ट्राइक चलेगी बहस चलती रहेगी, लेकिन उस दिन जो इनकी वार्ता हुई थी, मैं शिक्षा कर्मी नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार की ऐसे से ये कह रही हूँ, यहाँ बहुत होशो आवाज में दावे के साथ कह रही हूँ, और मुझे कहना होगा बिना डरे इस बात को, कोई तो कहेगा ना बात, जब इनकी वार्ता हुई, जब ये पहुंचे वहां पे, आपके एमके राउत है एसीएस है, उनसे इनकी बात हो रही थी, उन्होंने कहा आपके 9 मुद्दे 8 पे हम सहमति प्रदान करते हैं, संविलियन पे अपन बाद में बात करेंगे, तकनीकी मुद्दा है, ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं संविलियन का क्या प्रोसेस है, शर्मा जी ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, वहां पर यह बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री अब आपसे मिलना चाहते, चलिए वहां बड़ी घोषणा होगी, ये वहां की वार्ता बता रही हूँ, ये दोनों उसके गवाह है, मैं उस वार्ता में नहीं थी, इन्होंने मुझे बताया है, जब ये सब खुश होकर सीएम उस तरफ गए कि हाँ आज कोई घोषणा होगी, 7-8 मुद्दों पर सहमति बन गई है, शायद आज आदेश निकलेंगे, 2-4 दिन हफ्ते पर बाद निकलेंगे, जब सीएम उस ये गए, वही अधिकारी जो इनसे वादा कर रहे थे वो अधिकारी मौन हो गए, उन्होंने कोई बात वहां की नहीं, सीएम साहब से इनकी बात हुई, और क्या बात हुई वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, जो अधिकारी वादा करके ले गए थे उन्होंने तो कोई बात की नहीं वहां पे, तो कोई बात हो ही नहीं पाई, और अंततः ये सारे शिक्षा कर्मी हड़ताल पे चले गए। अब ये बयान आए, मैंने सुना कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद आप हड़ताल पे चले गए, मतलब आप दंडित किए जाने के पात्र हैं, मुख्यमंत्री को आप कुछ नहीं समझ रहे, कैबिनेट के मंत्री क्या उस वार्ता में थे, क्या उन्हें पता है कि उस वार्ता में क्या हुआ था? मुख्यमंत्री से तो कोई बात ही नहीं हुई ना, केवल आमने सामने मिले हैं ये लोग।
कोई विशेष बात नहीं हुई, अंततः यह हो गया कि ठीक है आपके सारे विषयों पे एक कमेटी बना दी जाएगी। जिस प्रदेश में 17 सालों में 22 कमेटियां बन गई हो, वहां सुंदरानी जी आप कोई ये कहते कि आपकी कमेटी बना के हम सोचते हैं, ये निश्चित तौर पे कोई भी आदमी पीछे हटेगा कि हमको कमेटी नहीं चाहिए। एक कल एक बहुत खबर आ रही थी कि शिक्षा कर्मियों के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी मंत्रालय में और ये बात निकल के आई कि शिक्षा कर्मी तो बर्खास्त होंगे, नेताओं पर भी कार्रवाई होगी। तो नेतागिरी करने का केवल हक राजनीतिक पार्टियों को है, क्या ये नेतागिरी नहीं कर सकते? और नेतागिरी इतना गंदा काम है तो सारे लोग नेतागिरी छोड़ दें, इस तरह के बयान अधिकारी दे रहे हैं तो ये तो बहुत शर्मनाक है। और किरकिरी किसकी हो रही है? किरकिरी तो भाजपा की हो रही है, भाजपा सरकार की हो रही है, आपके संवेदनशील मुख्यमंत्री की हो रही है ना, आंख नहीं बंद कर सकते ना आप? अखबारों में छप रहा है, हम डिबेट कर रहे हैं, सारे चैनल डिबेट कर रहे हैं, सब कुछ ओपन है, ये तो स्वयं संज्ञान लेने की बात है। नहीं नहीं अब आप लोग रहने दीजिए क्योंकि समय खत्म हो गया है और आप चारों मेहमान आए, सारे शिक्षा कर्मी यहाँ पे आए। हो सकता है मैंने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कह दी हो लेकिन मैंने दिल से ये बातें कहेंगी क्योंकि मुझे लगता है कि सरकारी शिक्षा तंत्र मजबूत करने की जरूरत है। हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, अगर इस तंत्र की कमर टूट जाएगी तो वो बच्चे कहां जाएंगे जो देश के नौनिहाल है, देश का भविष्य है, इस छत्तीसगढ़ राज्य का भविष्य है। उन बच्चों को सही शिक्षा मिले, उनको पढ़ाने वाला स्ट्रेस फ्री हो, वो वहां पर जाके बहुत खुशी खुशी पढ़ाए, तभी बहुत अच्छे रिजल्ट हम स्कूलों में प्राप्त करेंगे। शिक्षा गुणवत्ता योजना अलग से चलाने की आवश्यकता नहीं है, उस तंत्र में लगे हुए लोगों को आप एक संतुष्टि पूर्वक उनका सम्मान दीजिए, वेतन दीजिए, उनकी मांगों को सुनिए, अनुकंपा नियुक्ति अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। संविलियन आप करेंगे नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, इस बहस को हम जारी रखेंगे क्योंकि हड़ताल तो अभी मुझे लगता है थमने वाली नहीं है, इस विषय पर हम बात करते रहेंगे। आप सब लोग हमारे बीच में आए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Exclusive news. Keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal, Clips.in.